अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए ख़तरनाक टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉरेस्ट लिंकेज के हवाले से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जंगलात है वो किन किन शोबों के साथ उनका ताल्लुक होता है और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है इनके ऊपर, क्योंकि जंगलात की वजह से आज हमारा माहौल साफ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कम हो रहा है और हम अपनी लाइफ को खुशहाली से गुजारते हैं। तो अभी इसके लिंकेजेस पे आते हैं, फॉरेस्ट लिंकेजेस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉरेस्ट्री होती क्या चीज़ है। द साइंस ऑफ मैनेजिंग केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री वी स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेशंस, हर्ब्स, शर्ब्स एट्सेट्रा। सो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लिंकेज है, फॉरेस्ट्री हैज लिंकेजेस विद एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो जो हम फॉरेस्ट्री को एग्रीकल्चर सेक्टर से में हम इस्तेमाल करते हैं, या फॉरेस्ट्री मीन्स जंगलात ट्रीज लगाते हैं, शरब्स लगाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड से होते हैं। इसमें हम जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज लगाते हैं, स्पेशली हम फ्यूलवुड को ज़्यादा लगाते हैं वहाँ पे। एग्रीकल्चर लैंड से, जो एग्रीकल्चर फार्म से होते हैं, इनके एक रेजिमेंट के साथ साथ, एक रेजिमेंट के मुताबिक हम जो है ना वो ट्रीज लगाते हैं, हर्ब्स लगाते हैं। ज़्यादातर हम फ्यूलवुड वहाँ पे करते हैं, उगाते हैं। इसलिए इसके दो फायदे होते हैं, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और दूसरा जो होता है वहाँ से हम फ्यूलवुड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन इजली एक्सट्रैक्ट फ्यूलवुड फ्रॉम दैट वेरी फार्म। सो और दूसरा, लाइफ स्टॉक के लिए हम फोडर वहाँ से हासिल करते हैं। और इस प्रैक्टिस को, ये प्रैक्टिस है मैंने जो बताया, इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री है, इट्स द ब्रांच ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। इट्स रेफर्स द मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ कम्युनिटीज। तो हम कम्युनिटीज जो होती है, कम्युनिटीज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, किसी गांव को सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ इस गांव की इर्द गिर्द जो है वो प्लांट्स लगाते हैं। वहाँ से कम्युनिटी के लिए भी फायदा होता है और गवर्नमेंट के लिए भी, वहाँ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उनके जो मकासद थे वो भी फुलफिल होते हैं और कम्युनिटी के लिए भी फायदा होता है। और इसका दूसरा लिंकेज, फॉरेस्ट्री हैज लिंकेजेस विद लाइफ स्टॉक सेक्टर्स। जितने भी लाइफ स्टॉक सेक्टर्स होते हैं वो भी फॉरेस्ट्री के साथ लिंकेज करते हैं। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स में हम माल मवेशी को घर में पालते हैं, तो ये टोटली उनका डिपेंड होता है, चारे के ऊपर डिपेंड होता है, घास के ऊपर डिपेंड होता है, मुख्तलिफ दरख्तों के जो है ना पत्ते उनके लिए आटम में वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा फीड इस्तेमाल करते हैं। और जब हम जंगली जानवर, व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, देर आर फॉरेस्ट प्रोवाइड देन हैबिटाट, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हैबिटाट्स। सो इनको हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इनके लिए फूड का जरिया बनते हैं। और जब हम इसकी क्रॉस सेक्टोरियल, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्टोरियल लिंकेजेस ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री हैज लिंकेजेस विद एनर्जी। देखो ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है गाइस।